Today we are showing to you how to install UPA 1.3, 1.5 या 1.3V. तो विंडो 10 में कैसे इसको इंस्टॉल करें. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विंडो 10 में नहीं होगा, विंडो 10 में नहीं होगा. तो मैं आज आपको शो करता हूँ कि विंडो 10 में कैसे इंस्टॉल होगा. अभी मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, फिर इसको डिलीट करूँगा, फिर आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मैं आपको. अभी इंस्टॉल्ड है ये, अभी ओपन हो रहा है. पॉज कर दें, आप ये देखिए अभी अपने पास इंस्टॉल्ड है. ये यहाँ पे लगा हुआ है, दिखाओ इधर, दिखाओ ना थोड़ा सा, यहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्टेड है. तो अब मैं इसको प्रोग्रामर को यहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा हूँ. अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है. एक सेकंड, यहाँ पे जाइए आप, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग में जा के एप्स में जाना. ये विंडो 10 है, लैपटॉप है पेंटियम M4200. और अब यहाँ से आपको UPA दिखेगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है. अब यहाँ से मैं आपको UPA दिखाता हूँ. UPA यहाँ पे UPA शो कर रहा होगा. अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ. अब ये देखिए, अब यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा है. अब इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ. यूपी अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, डू यू वांट टू इंस्टॉल? यस. अब इंस्टॉल हो रहा है, रिमूव हो रहा है. ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, रिमूव हो गया. अब क्या करूँगा मैं, इसको इसकी जो फाइल पड़ी है एलरो सॉफ्ट के, अलग से फोल्डर बन जाता है विंडोज 3 में 86 में. तो इसको एलरो सॉफ्ट के यहाँ से डिलीट कर दूँगा. डिलीट एलरो सॉफ्ट, यहाँ से एलरो सॉफ्ट पूरा डिलीट हो गया. अब इसमें एक फोल्डर और बनाया था मैं, UPA में जाना है, ये न्यू फोल्डर में बनाया था, इसको भी मैं आपको डिलीट कर देता हूँ. अब आप देखें यहाँ से UPA पूरा डिलीट हो गया है लैपटॉप से. मैं यहाँ पे आ रहा है अलग सॉफ्ट भी इस चीज़ से जाके डिलीट कर दिया हूँ. अब क्या करना है, इंस्टॉल करना है विंडो 10 में. तो UPA में जाना है फोल्डर में, इसको रेयर फाइल को ओपन करनी है, ये खोलना है. अब इसको डिलीट कर देना है. अभी यहाँ पे आ रहा है सेटअप, सेटअप, सेटअप पे पहले सेटअप को इंस्टॉल करना है. यहाँ से हमारा सेटअप अभी इंस्टॉल होगा. यस, नेक्स्ट. यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, जो उनका एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको. और UPA को यहाँ से इंस्टॉल आ गया, इंस्टॉल कर देना. फिनिश. अब ये यहाँ पे UPA इंस्टॉल, इसको भी हम मिनिमाइज करेंगे. ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ. अभी इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ, सिर्फ UPA का सेटअप ही इंस्टॉल हुआ है. तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ. इसमें ये ओपन हो जाएगा बट काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं. देखो, लाइसेंस नोट फॉर्म. अब हमें क्या करना है, लाइसेंस इसमें डालना है. तो अभी अपन क्या करेंगे, ये फाइल दोबारा ओपन करेंगे, फिर इसमें G++ के आपको दिख रहा होगा अलग फोल्डर, इसको जाना है. इन सबको कॉपी करके यहाँ पे जाना है, एक्सट्रैक्ट टू द स्पेसिफाइड फोल्डर. तो फोल्डर हमें यहाँ से बना लेना है, डेस्कटॉप में या कहीं और भी कहीं बना चाहे बना लो. तो मैं डाल रहा हूँ UPA LIC फोल्डर, UPA लाइसेंस के नाम से फोल्डर में बना लेता हूँ और इसको देता हूँ यहाँ पे. अब इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. यहाँ पे जाना है, एक्सट्रैक्ट टू द स्पेसिफाइड फोल्डर एक्सट्रैक्ट करना है. अब हमें जाना है फोल्डर कहाँ बनाए हमने, डेस्कटॉप में. डेस्कटॉप में UPA LIC फोल्डर के नाम से ये आ गया, इसमें जाके ओके कर देना है. अब इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है. अब क्या करना है, ये यहाँ पे ओपन हुआ, इन सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है. कॉपी. अब इसको हटाना है,
ये इसकी हमें खोलनी है लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ जाके हमें जो हमने कॉपी करी है इसका लाइसेंस और की गन नंबर, इसको हमें यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये हो गया अब यहाँ पे कॉपी, लेकिन अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमें जाना है डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर में जाना है। इसके बाद डिवाइस मैनेजर में हम लोग गए, डिवाइस मैनेजर के बाद यहाँ पे UPA लिखा आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा अभी, तो ये यहाँ पे एलोसॉफ्ट का फोल्डर आ गया। अगर इसको एलोसॉफ्ट का फोल्डर आने के बाद भी ना हो तो क्या करना है, एलोसॉफ्ट में जाना है, अपडेट करना है इसका ड्राइवर, अपडेट में जाना है, ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद हमें करना है ब्राउज में जाने के बाद जाना है हमें एलोसॉफ्ट में, ये यहाँ पे आ गया। एलोसॉफ्ट में जाना है अपडेट प्रोग्रामर, अपडेट में जाना है। अपडेट में जाने के बाद विंडो कौन कौन सी विंडो है, यहाँ पे सारी विंडो के नाम आ जाएंगे। हमें जाना है 7-8 में, 7-8 में जाना है, ओके कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसका ड्राइवर अपडेट हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल, क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करना है, ओपन कर लेना है। अब ओपन करने की क्या हमें क्या पहचान है कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओपन तो होगा, अगर इंस्टॉल्ड सिर्फ सेटअप ही इंस्टॉल्ड होगा तब भी ओपन होगा, नहीं होगा सिर्फ भी ओपन होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका सेटअप इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट के लिए क्या करते हो। हमारे जो ड्राइवर, ये अब हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसकी पहचान नोटेशन ये है, फाउंड डिवाइस प्रोग्रामर USB सीरियल नंबर, जो आपका प्रोग्रामर होगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाके आप कोई भी IC सेलेक्ट करके उसको प्ले कर सकते हैं, जैसे कि 76 में कर रहा हूँ। और अब हमें इसमें क्या करनी है, फाइल रीड करनी है, तो ओपन करूँगा, कोई भी फाइल ले लूँगा, और जैसे कि 76 वाली फाइल ये लिया, ओपन कर दिया, और ये अब यहाँ पे फाइल पूरी आ गई जितने भी हैक्स के। तो यही था इसका छोटा सा वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए। आपको कोई क्वेरी हो, अगर इंस्टॉल ना हो तब भी टीम व्यूअर से भी मैं आपका इंस्टॉल कर सकता हूँ। टीम व्यूअर से अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें, मैं वहाँ से आपकी हेल्प करूँगा टीम व्यूअर से इंस्टॉल करने के लिए। थैंक यू।